हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं यहाँ पे पोर्टली बैग बनाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर फ्यूजिंग के दो पीस कट किए हुए हैं, जिसकी यहाँ पे चौड़ाई यहाँ पे 9 इंच है और इसकी लंबाई 8.5 इंच है। तो इस तरह से मैंने ये दो पीस बराबर कट कर लिए हैं और इसको हम बनाएंगे नेट वाले कपड़े पे। तो नेट वाला कपड़ा भी बिल्कुल हम इसके बराबर ही यहाँ पे कट कर लेंगे। तो दो पीस मैंने नेट वाले कपड़े में से कटिंग कर लिए हैं बिल्कुल इसके बराबर। और इसमें नेट का कपड़ा है तो ये दिखेगा, जो ये हमारे पास पेपर है तो उसमें लगाने के लिए ऊपर और नीचे दो पीस अलग से चाहिए। तो इसको बीच में रखना है और एक पीस इसके ऊपर रखना है कपड़े का और एक नीचे की तरफ। तो इस के लिए हमें चार पीस चाहिए। तो नेट हमारी ग्रीन कलर की है, एक एक पीस मैंने नेट के नीचे रखने के लिए ग्रीन कलर का लिया है, नीचे उससे मिलता जुलता हुआ लिया है। तो यहाँ पे इस कपड़े को भी मैं यहाँ पे इसके बराबर कट कर लूँगी। तो एक यहाँ पे एक पीस तो मैंने कट कर लिया है, एक और इसके बराबर ही यहाँ पे मैं कट कर लूंगी। तो यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा लग गया था गलती से, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा आधा आ रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्यूजिंग पेपर था उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया और इसकी शेप देने के लिए नीचे से इसको गोलाई में यहाँ पे मैं इसको कट कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको नीचे से गोल शेप में कर दिया है और इसी तरह से मैंने यहाँ पे इस कपड़े को नीचे की तरफ फैलाया एक पीस को। इसके ऊपर हम अपने पेपर वाले इसको रखेंगे पार्ट को और इसके ऊपर एक और कपड़ा रखेंगे। तो इस तरह से हमें ये तीन पार्ट एक साथ सिलने हैं। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से पिन से लॉक कर लेंगे ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर न खिसके। और मैं इसको तीनों तरफ से यहाँ से इस पे सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से जिस तरह से इसकी शेप हमने कट की है मैंने यहाँ पे, उसी तरह से मैं इसके बराबर यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो इसी तरह से मैं दोनों पार्ट यहाँ पे सिलाई लगा के इनको तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे एक पार्ट को तो मैंने सिल लिया है, इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी यहाँ पे तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने ग्रीन पार्ट को ऊपर की तरफ रखा है क्योंकि नेट का कलर यहाँ पे ग्रीन कलर का है। और यहाँ पे अब मैं ऊपर से नेट रख के यहाँ पे या तो अलग अलग पार्टों में इस तरह से नेट लगा के पहले नेट लगा के सिलाई कर सकते हैं या फिर दोनों पार्टों को एक साथ यहाँ पे सिल सकते हैं। तो मैं इस तरह से दोनों पार्टों को रखूँगी, दोनों यहाँ पे एक साथ रखूँगी और फिर यहाँ पे इस पे हम सिलाई कर देंगे। और अब ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे पिन लगा के इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आप ब्लाउज़ के पीस में से अपने साड़ी के मैचिंग से ये बना सकते हैं पोटली बैग। और यहाँ पे जैसे सूट के मैचिंग से आजकल ये बहुत ज़्यादा फैशन में है कि जिस तरह से हमारा सूट का कपड़ा बच जाता है तो उसमें से पोटली बैग ज़्यादातर बनाए जाते हैं और कुछ लेडीज़ें बनवाती भी हैं। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों पार्टों को हमने यहाँ पे सिल लिया है।
और जो हमारा फालतू कपड़ा था उसको मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया है। और नीचे से इसकी इंटरलॉक भी कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक पाउच सा ये बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से बनने के बाद तो ये अच्छा लग रहा था, तो इसी तरह से हम घर पर ये आसानी से अपने छोटे से कपड़े में से ही ये बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेफा बनाने के लिए पहले थोड़ा सा हम सिलाई करेंगे ऊपर की तरफ, और बीच में थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे बिना सिलाई किया हुआ, तो इससे हमारा नेफा बन जाएगा। तो ये सिलाई मैंने पहले यहाँ पे लगा दी थी, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं खोल दूँगी। और जितना चौड़ा हमें नेफा बनाना है उतना ही हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे, उतने ही हिस्से में हम यहाँ पे निशान लगा के और फिर इसमें ऊपर सिलाई और नीचे सिलाई, बीच में इसको थोड़ा खुला छोड़ देंगे। तो इसमें मैं पहले ऊपर की तरफ सिलाई लगाऊंगी और इसको यहाँ पे पक्का कर लूँगी डबल सिलाई लगा के। और अब थोड़ा नीचे की तरफ सिलाई लगाऊंगी, तो इससे इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग आएगी। वैसे तो हम इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते थे, लेकिन ये बहुत सही लगेगा बनने के बाद, एकदम फिनिशिंग के साथ ही तैयार होगा पोटली बैग बन के। तो इस तरह से इसको भी डबल स्लाइल कर दिया है। तो इसको जो हम देखेंगे इस तरह से, तो बीच में से कुछ इस तरह से इसमें यहाँ पे ये जब हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से, तो ये नेफा बन के हमारे यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नेफा फोल्ड कर दूंगी, और यहाँ पे या तो रेडीमेड डोरी ले सकते हैं या फिर अपने मैचिंग के हिसाब से डोरी बना सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे मेरे पास डोरी नहीं थी, तो मैं बाद में बनाऊंगी और अपने मैचिंग पोटले के मैचिंग के हिसाब से। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये गोटा लिया है, उससे यहाँ पे एक बार डालूंगी इसमें। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बन के तैयार हुई थी, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे तो इस तरह से यहाँ पे नेट के कपड़े से यहाँ पे इस तरह का फ्लावर सा बना के इसमें लगा देंगे, तो डोरी इसकी मैचिंग की बन जाएगी, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप भी इसी तरह से बचे हुए कपड़े में से इस तरह की पोटली बैग घर पर ही बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था।